डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फोर का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 10, और इस चैप्टर का नाम है भरत द ब्रेव चाइल्ड। भरत एक बहुत ही बहादुर बच्चा था, और जिसका पिक्चर अभी जितने भी शिशु मंदिर नाम का विद्यालय है, सभी विद्यालय में उसका पिक्चर लगा रहता है, और इस विद्यालय का समझिए कि एक सिम्बॉल है। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ के देखते हैं, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो किस प्रकार से ये बहादुर है, इस स्टोरी में बताया गया है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए हट इन ए फॉरेस्ट। बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में एक कुटिया था। इस एज नेम्ड कनवा लिव्ड देयर विथ हिज अडॉप्टेड डॉटर शकुंतला। कनवा नाम का एक संत जंगल में अपनी गोद ली हुई पुत्री शकुंतला के साथ रहता था। सी वॉज काइंड हार्टेड, वह बहुत ही दयालु थी। वो जो लड़की थी शकुंतला, वह बहुत दयालु थी। सी प्लेड विद द एनिमल्स एंड द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल के जानवरों और पक्षियों के साथ खेला करती थी। ऑल द क्रिएचर्स लव्ड हर, और सभी जीव उससे प्रेम करते थे। वन डे शकुंतला वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स टू वर्शिप गॉड, एक दिन भगवान की पूजा के लिए शकुंतला फूल चुनने के लिए गई। सडनली सी सॉ ए यूनेड डियर, अचानक वह देखती है एक घायल हिरन को। सी नर्स्ड इट, और वह उसकी सेवा करती है। मीनवाइल ए किंग रिच देयर विद सम हॉर्समैन, और थोड़ी ही देर में एक राजा अपने घुड़सवारों के साथ आ जाता है वहाँ पे। द किंग आस्ट, और राजा पूछता है हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फॉरेस्ट, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। यहाँ पे इस बच्चे का पिक्चर दिया गया है, राजा भरत को दिखाया जाता है। वह शेर के बच्चे के साथ खेलते रहता है और उसके दांतों को गिनता है। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है, शकुंतला क्या कहती है। सी रिप्लाइड आई एम शकुंतला, तो शकुंतला जवाब देती है मैं शकुंतला हूँ। आई लिव हियर विथ माई फादर कनवा, मैं यहाँ पे अपने पिताजी कनवा के साथ रहता हूँ। बट हु आर यू एंड वाई डिड यू हर्ट दिस डियर, लेकिन तुम कौन हो और तुमने इस हिरन को क्यों मारा, इसे चोट क्यों पहुँचाया। द किंग रिप्लाइड, राजा जवाब देता है आई एम दुष्यंता, कि मैं दुष्यंत हूँ। द किंग ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का राजा। हंटिंग इज माई हॉबी एंड दिस फॉरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ माई किंगडम, शिकार करना मेरी आदत है और यह भाग जो है, यह फॉरेस्ट, यह जंगल जो है मेरे साम्राज्य में आता है, मेरे राज्य के अंदर आता है। शकुंतला सेड पोलाइटली, शकुंतला विनम्रतापूर्वक बोलती है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए किंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर्स ऑफ हिज किंगडम, राजा का यह कर्तव्य है कि वे अपने साम्राज्य के सभी जीवों को सुरक्षा करें। इफ यू हंट देम हाउ विल यू फील देमसेल्व्स सेफ इन योर स्टेट, यदि आप ही उसे मारेंगे तो वे अपने आप को आपके राज्य में सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। दिस वर्ड्स अफेक्टेड द किंग मच, ये बातें राजा को बहुत प्रभावित किया। फर्स्ट टाइम देर वॉज समवन हु टाउट हिम द लेसन ऑफ काइंडनेस एंड लव फॉर ऑल क्रिएचर्स, पहली बार कोई उसे सभी जीवों के प्रति दयालुता और प्रेम का सीख दे रहा था। द किंग वॉज सो मच इम्प्रेस्ड ऑन हर काइंडनेस दैट ही वॉन्टेड टू मैक शकुंतला हिज क्वीन, राजा उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि वह उसे अपना रानी बनाना चाहते थे। शकुंतला वॉज मेरिड टू दुष्यंता, शकुंतला का विवाह दुष्यंत, राजा दुष्यंत से हो जाता है। वन डे द कॉल ऑफ ड्यूटी स्टार्ट द किंग, और एक दिन उनको बुलावा आता है कि अपने राजपाट के कार्य को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वे जंगल में रह रहे थे। ही प्रॉमिस्ड शकुंतला टू कम बैक सून, वे शकुंतला से वादा करते हैं कि वे जल्द ही वापस लौटेंगे। बिफोर गोइंग ही गेव हर ए गोल्ड रिंग विथ हिज नेम इनग्रेव्ड ऑन इट, जाने से पहले वे शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं सिंबल के रूप में, और उसमें उनका नाम लिखा रहता है, राजा का नाम लिखा रहता है। वन डे शकुंतला वेंट टू द रिवर टू टेक ए बाथ, एक दिन शकुंतला नदी में नहाने के लिए जाती है। वन सी इंटर द रिवर हर रिंग स्लिप टॉप, जैसे ही वो नदी में प्रवेश करती है उसका अंगूठी नदी में खुलकर गिर जाता है। ए फिश स्वेलोड द रिंग, और एक मछली उस अंगूठी को निगल लेता है। सी वॉज सैड टू लॉस द ओनली सिंबल ऑफ हर लव, वह अपने प्रेम की एकमात्र निशानी को खोकर काफ़ी दुखी हुई। बट दिस सोरो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन यह दुख लंबे समय तक नहीं रहा। सी गैव बर्थ टू ए बेबी बॉय, उसने एक बच्चे को जन्म दिया
एक लड़के को जन्म दिया। सी नेम्ड हिम भरत और उसने उसका नाम रखा भरत। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। वन डे ए फिशरमैन कॉट दैट फिश, एक दिन एक मछुआरे ने एक मछली को पकड़ा। व्हेन ही कट इट ही फाउंड ए गोल्ड रिंग इन द बेली ऑफ द फिश, जब वह उस मछली को काटता है तो मछली के पेट से एक सोने का अंगूठी निकलता है। ही सो द नेम ऑफ द किंग ऑन इट और वह देखता है उस अंगूठी में राजा का नाम लिखा हुआ है। ही रीच द पैलेस एंड हैंडेड इट ओवर टू द किंग, वह महल में पहुंचता है और अंगूठी को राजा के हवाले कर देता है। इन ए फ्लैश, अंगूठी को देखकर राजा अपने अतीत में खो जाता है। द किंग रिमेम्बर्ड हिज प्रोमिस्ड और राजा को अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है। द कैरियट वाज मेड रेडी, वह रथ को तैयार करवाता है। द किंग रीच द फॉरेस्ट और वह जंगल पहुंच जाता है। ही सॉ ए लिटिल बॉय प्लाइंग विथ ए लायन कब और उसने देखा कि एक छोटा बच्चा शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट इट, राजा यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हो गया। ही आस्ट और उसने पूछा, हु आर यू ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चे तुम कौन हो। आई एम भरत रिप्लाइड द बॉय, बच्चे ने जवाब दिया कि मैं भरत हूँ। वॉट आर यू डूइंग विद दिस कब, तुम इस शेर के बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। आई एम काउंटिंग हिज टीथ, मैं इसके दांत को गिन रहा हूँ। डोंट यू फील फियर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी डर नहीं लगता। द किंग एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू मीट भरत्स पैरेंट, राजा ने अपनी इच्छा जाहिर किया कि वह भरत के माता पिता से मिलना चाहता। भरत लेड द किंग टू द हट वेयर हिज मदर वाज प्रजेंट, भरत ने राजा को अपनी कुटिया में ले गया जहाँ पे उसकी माँ रहती थी। भरत इन्फॉर्म्ड हिज मदर दैट समवन वांटेड टू मीट हर और भरत ने अपनी माँ को सूचना दिया कि कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। शकुंतला केम आउट एंड सॉ किंग दुष्यंता, शकुंतला बाहर आई और देखी राजा दुष्यंता को, राजा दुष्यंत को। सी टॉल्ड और वह बोली, भरत ही इज योर फादर किंग दुष्यंता, भरत यह तुम्हारे पिता राजा दुष्यंत हैं। भरत हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्री, भरत के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ही फेल एट हिज फादर्स फीट, उसने अपने पिता का पैर छूकर प्रणाम किया। द किंग वाज ओवरवेलम्ड टू नो दैट भरत वाज हिज सन, राजा यह जानकर अभिभूत हो गया कि भरत उसका बेटा है। ही हग्ड भरत एंड सेड, उसने भरत को गले लगा लिया और कहा, डियर सन नाउ द टाइम हैज कम टू गो टू पैलेस विथ योर मदर, कि बेटे अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ के साथ राजमहल में चलो। यू आर द फ्यूचर किंग ऑफ हस्तिनापुर, तुम हस्तिनापुर के भविष्य के राजा हो। लेटर ऑन भरत बिकेम द किंग, बाद में भरत राजा बना। द पीपुल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम और उनके राज्य में सभी लोग बहुत ही खुश थे। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एरा, यह स्वर्ण युग का आरंभ था। आवर कंट्री गॉट इट्स नेम आफ्टर दिस माइटी किंग भारत, इस शक्तिशाली राजा के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिया रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड्स दिया हुआ है, आप इसको एक बार जरूर पढ़कर याद कर लें। और इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे है इसका क्वेश्चन और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वाई डिड ऑल द क्रिएचर्स लव शकुंतला, सभी जीव शकुंतला को क्यों प्रेम करते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल द क्रिएचर्स लव्ड शकुंतला, यहाँ पे डी लगा देंगे, लव्ड शकुंतला बिकॉज सी वाज काइंड हार्टेड। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ दूसरा नंबर में दिया हुआ है, व्हाट डिड शकुंतला डू विद द वुंडेड डियर, तो यहाँ पे हो जाएगा शकुंतला नर्स्ड, नर्स्ड जो होता है, नर्स जो होता है उसी का स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, नर्स्ड द शकुंतला नर्स्ड द वुंडेड डियर, शकुंतला नर्स द वुंडेड डियर। और सी नंबर में हु वाज दुष्यंता, दुष्यंता वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। व्हाट वाज भरत डूइंग विद द लायन कब, भरत वाज काउंटिंग द टीथ ऑफ द लायन कब। राइट द नेम ऑफ मदर एंड फादर ऑफ भरत, तो भरत के माता पिता का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो हिज मदर्स नेम वाज शकुंतला एंड फादर्स नेम वाज दुष्यंता। और इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू जिसमें टिक लगाने के लिए कहा गया है, तो इसको टिक लगा देते हैं।
फर्स्ट में दिया शकुंतला वाज ए काइंड हार्टेड वोमैन, तो यहाँ पे काइंड हार्टेड इसको टिक लगा लेते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद शकुंतला वाज प्लकिंग, शकुंतला क्या तोड़ने गई थी, फ्लावर्स फूल तोड़ने गई थी पूजा के लिए, ये हो गया। किंग दुष्यंता वाज फॉलोइंग ए, तो किंग दुष्यंता किसका पीछा कर रहे थे, ए डियर का, डियर एक हिरण का पीछा कर रहे थे क्योंकि उसको उन्होंने मारा था, उसको घायल किया था। द डैश हैंडेड ओवर द गोल्ड रिंग टू द किंग, तो किसने राजा को सोने का ही सोने की अंगूठी जो है वो राजा को उसके हवाले कर दिया, तो फिशरमैन एक मछुआरा था उसको मिला था अंगूठी, उसने उसको राजा के हवाले कर दिया। और ई नंबर में है, ई नंबर में यहाँ पे भरत वाज काउंटिंग द टीथ ऑफ ए कब, शेर के बच्चे को कब कहा जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए किंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर्स, तो किसने कहा था, शकुंतला ने किंग दुष्यंता से कहा था। शकुंतला सेड टू किंग दुष्यंता, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फॉरेस्ट, ये बात किसने कहा था कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, तो राजा दुष्यंता किंग दुष्यंता ने शकुंतला से कहा था, किंग दुष्यंता सेड टू शकुंतला। और सी नंबर में यहाँ पे यू आर द फ्यूचर किंग ऑफ हस्तिनापुर, तो यह बात किसने कहा था, किंग दुष्यंता सेड टू भरत, किंग दुष्यंता सेड टू भरत, आई लिव हियर विथ माई फादर कन्वा, यह बात किसने कहा था कि मैं अपने पिता कन्वा के साथ यहाँ पे रहती हूँ, तो शकुंतला सेड टू किंग दुष्यंता, शकुंतला सेड टू किंग दुष्यंता, आई एम काउंटिंग हिज टीथ, तो यह बात किसने कहा था, मैं शेर के बच्चे का दांत गिन रहा हूँ, तो यह बात कहा था भरत ने, भरत सेड टू किंग दुष्यंता, भरत सेड टू किंग दुष्यंता। और क्वेश्चन नंबर फोर में इसको मैच कर लेते हैं, यहाँ पे जानवर का नाम दिया हुआ है और उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है जैसे हॉर्स, हॉर्स के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो हॉर्स के बच्चे को कहा जाता है कॉल्ट, तो इसको कॉल्ट में लगा लेते हैं। डक के बच्चे को क्या कहा जाता है, डकलिंग यहाँ पे लगा लेते हैं। हैन के बच्चे को क्या कहा जाता है, वैसे तो चिक कहा जाता है लेकिन यहाँ चिकन लिखा हुआ है। गोट के बच्चे को क्या कहा जाता है, किड, तो यहाँ पे किड पे लगा लेते हैं। लायन के बच्चे को क्या कहा जाता है, कब, तो यहाँ कब पे लगा देते हैं। और काऊ के बच्चे को काफ, कैट के बच्चे को किटन, और डॉग के बच्चे को पप्पी, तो यहाँ देख रहे हैं इस तरह से दिया हुआ है, ये दो ये दो ये दो, इस तरह से आप लोगों को याद भी रह जाएगा और वैसे भी आपको नाम याद कर लेना है। यहाँ पे कुछ नेम दिया हुआ है जैसे कि इस वर्ड के साथ यहाँ का वर्ड जो है मैच करेगा, जैसे ब्रेड एंड बटर कहा जाता है, यहाँ पे मैन एंड ओमैन फर्स्ट में दिया हुआ है, मैन एंड ओमैन, और बी नंबर में यहाँ पे जैसे कि भरा हुआ है ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर हो जाएगा, यहाँ पे बटर दिया हुआ है। उसके बाद और दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है डॉर्स एंड विंडोज, डॉर्स एंड विंडोज, और यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, और लॉक एंड की, ताला चाबी, और नाइफ एंड फॉक्स, नाइफ एंड फॉक्स मतलब चाकू और कांटा जो होता है। उसके बाद फ्रेंड एंड इनेमी, दोस्त और दुश्मन। उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद नीडल एंड थ्रेड मतलब सुई और धागा, तो और जो एक बच गया है उसको आप, जो बच गया होगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, जब बीच में रहेगा तो माई और लास्ट में रहेगा तो माइन, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये जो है इसको प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों मिला के दिया हुआ है, अगर ग्रामर आप पढ़े होंगे तो आपको पकड़ में आएगा, और नहीं तो फिर आप ग्रामर पढ़ लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे माई हो जाएगा, उसके बाद दैट इज़ योर काओ, योर्स नहीं होगा यहाँ पे, योर होगा, ठीक है, यहाँ पे योर। उसके बाद हिज मदर इज़ काइंड, हिज हिम कभी भी लगता है तो वो पीछे लगता है, आगे कभी नहीं लगता है, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। देयर काओ इज़ ब्लैक, देयर्स जो लगेगा वो पीछे लगेगा, आगे नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे देयर हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉक इज रेड, हर हर फ्रॉक मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद द स्कूल इज आवर्स, तो यहाँ पे इसमें ये लगेगा, लास्ट में लग रहा है आवर्स लगेगा। दैट हॉर्स वाज हर्स, ये लगेगा। उसके बाद इंडिया इज आवर कंट्री, इसमें आवर होगा। द गार्डन इज माइन, यहाँ पे माइन लगेगा। उसके बाद दैट रेड बॉल वाज देयर्स, इसमें लास्ट में लगा हुआ है, ये लगेगा। कंप्लीट हो गया, क्या आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, और आगे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये वर्ड्स दिया हुआ है, आप इसको बोलना है, इसको लिसन एंड रिपीट
दिस वर्ड सुनना है और इसको रिपीट करना है, बोलना है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। जो नए लोग हैं हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लें आप लोग, इस तरह का वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है। तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।